नगरीय निकाय की के चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं उसी की तैयारी के सिलसिले में बैठक की, जिसमें संबंधित जिलों के विधायक, सांसद और मंत्रीगण जो इंचार्ज हैं, संगठन के इंचार्ज हैं, वो सब उनके साथ बैठक थी और विस्तृत चर्चा हुई। ना केवल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी बातें रखी, हमने रखी, बाकी भी जिला अध्यक्षों ने, जो माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय विधायकगण हैं, माननीय सांसद और जो संगठन के जो इंचार्ज हैं उन जिलों के, उन सब से चर्चा हुई। और चर्चा होने के बाद जो आगे क्या किस तरह से प्रोसीड करेंगे, किस तरह से कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, लोगों से वार्ड में जाके लोगों से पूछ के जो सही है, जो जीतने वाला है कैंडिडेट, उसी का चयन किया जाएगा, तो बहुत विस्तार से चर्चा होगी। कोई मापदंड तय हुआ है क्या, कैसे चयन करेंगे? वो तो मैंने बताया कि जो जीतने वाला होगा, जो जिसका जनाधार होगा, जो लोग उनका समर्थन कर रहे होंगे, उन्हीं को तो रखा जाएगा। अगर लोग के समर्थन जिनको प्राप्त है उनको अगर कैंडिडेट बनाया जाए तो जाहिर है वो समर्थन जिनको कर रहे हैं वो वोट भी देंगे, जिताएंगे भी, उनके साथ भी देंगे। सर, आप इस मुद्दे पर वोट मांगेंगे जनता के बीच जाकर? वो मैनिफेस्टो कमेटी है और वो कुछ चंद एक पाँच छः इसके इश्यूज होंगे, वो आइडेंटिफाई करके वो आपको बताएंगे। सर, सत्ता और संगठन के तमाम बड़े लोग शामिल रहे इस बैठक में, अलग से क्या दिशा? नहीं, अलग से कोई चर्चा नहीं हुई, अलग से कोई चर्चा, कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि सत्ता के लोग भी, संगठन के लोग भी, सब मिल के एकजुट होके इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और हमारा मकसद है, जो जिस तरह से पहले आम चुनाव हुए थे नगरीय निकायों के और जो नतीजे हम लोगों के सामने आए, उससे बेहतर नतीजे आने चाहिए, क्योंकि इस बीच में हमारी सरकार रही है, हमारी सरकार ने नगरीय निकायों को के लिए सीधे या जो सामान्य जो भी निर्णय लिए गए हैं, बहुत अच्छे, जन सामान्य को प्रभावित करने वाले, तो ऐसे में पहले से बेहतर हम करेंगे, इसलिए उस पर ठीक है। ठीक सर।